फिर कोविड ऊपर से आ गया तो पूरी दुनिया के जो स्टैटिस्टिक्स निकले कि पाकिस्तान ने कोविड को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान सही रास्ते पे निकल गया है और इंशाल्लाह जो चैलेंजेस थे जो इतने मुश्किल वक्त थे सारे पीछे रह गए, आइंदा के लिए इंशाल्लाह खुशहाली आएगी। खान साहब जान तो लड़ा देंगे। अच्छा अनिल भाई, ये थोड़ा सा लगा है गवर्नर साहब के बयान से कि वो हुकूमत से खुश नहीं है, आप गवर्नर साहब के साथ हैं? देखिए गवर्नर साहब पीटीआई के अब पुराने साथी हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी पीटीआई को नेक्स्ट इलेक्शन जितवा के दिखाएंगे। नाराज लग रहा है थोड़ा सा, नाराज बहन भाई नहीं हो जाते, लेकिन गवर्नर साहब मेरा नहीं था, मेरी उनसे कल तफसीलन बात हुई थी, कोई ऐसा मसला नहीं। अनिल भाई, 5 मिलियन होम्स का प्रॉमिस था, आप एडवाइजर भी हैं इमरान खान साहब के, तो 5 मिलियन होम्स का क्या बना, किधर गया 5 मिलियन होम्स? देखें खान साहब, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी डेवलप तो हो गया, उसमें नए घर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है और खान साहब की जो टीम है वहाँ नया हाउसिंग अथॉरिटी की, उन्होंने शुरू कर दिया है काम और लाखों घर बन रहे हैं और मोर्गेज फैसिलिटीज़ भी लोगों को अवेलेबल हो रही है, डेवलपर्स को भी बैंक से सॉफ्ट लोन्स मिल रहे हैं, तो उस पर भी काम शुरू हो गया है माशाल्लाह। आई होप सो। अच्छा, अभी तक पहला जो घर है वो आज 3 साल हो गए, लेकिन आज तक वो पहला घर नहीं, नहीं, पहले घर लोगों को बहुत घर मिले हैं, मुर्तजा साहब लोगों को बहुत मिले हैं। सर आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? दो तीन बार वो अपने रिजाइन किया।